हुआ है क्या है ब्रो? देखिए, कई दिनों से सिटी में सूचना आ रही थी कि कोई जनसेवा केंद्र की आड़ में एक व्यक्ति बैठ करके फर्जी तरीके से यूनिवर्सिटीज की और अलग अलग शैक्षिक संस्थाओं की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाता है, और ऑन डिमांड ये जो सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट थी ये इनके द्वारा बनाए जाते थे। इस सूचना को जब हमारी एसओजी टीम और स्वॉट टीम ने डेवलप किया तो उसमें एक अभियुक्त का नाम सामने है जिसका नाम आशीष कुमार है। ये सिटी क्षेत्र में एक जनसेवा केंद्र चलाते हैं और जनसेवा केंद्र चलाने की आड़ में ये ऑन डिमांड मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स बनाते हैं। इनके पास से भारी संख्या में जो है वो मार्कशीट्स बरामद हुई, लगभग 100 के ऊपर अलग अलग विश्वविद्यालयों की मार्कशीट्स हैं, 8 माइग्रेशन फर्जी सर्टिफिकेट हैं, कुछ नगद रुपए, और बनाने के जो उपकरण हैं जिसमें स्कैनर, प्रिंटर और लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारी चीजें इनके द्वारा बरामद की गई हैं। इसमें ये भी तथ्य सामने आया है कि इनका कुछ कनेक्शन ऐसे लोगों के साथ है जो इनको फोन पे सूची और सारा डेटा उपलब्ध कराते थे, जिनकी मार्कशीट इनको बनाते थे, और ये फिर पेमेंट ले करके इसको आगे फॉरवर्ड करते थे, और वो एक एक मार्कशीट लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये में ये लोगों को मुहैया कराए जाते थे। और ये मार्कशीट जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में जॉब्स लेने के लिए या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छे एक गैंग का इसमें भंडाफोड़ किया गया है। साथ में इसमें 2-3 और लोग हैं जो अन्य जनपद के हैं, रहने वाले हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में जब पता किया गया वो जेल में समय बंद है, पहले भी वह जेल जा चुके थे मार्कशीट बनाने के जुर्म में। तो जो और जो दो तीन व्यक्ति हैं जिनके नाम इसमें सामने आ रहे हैं उनके बारे में जांच कराएंगे, और यदि उनकी भी संलिप्तता इसमें पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो फर्जी मार्कशीट लेते थे ज्यादातर ये गैर प्रांत के रहने वाले लोग हैं, जैसे मुंबई के हैं या कुछ दिल्ली के हैं, कुछ पंजाब हरियाणा के हैं। तो इनके डिटेल्स हम वेरीफाई करेंगे, और यदि पाया जाएगा कि ये जो व्यक्ति सब पूरे रैकेट में इन्वॉल्व रहे हैं तो इनकी डिटेल्स निकाल के जो संबंधित इनके राज्य हैं उनको लिखेंगे, और उनकी पुलिस को भी हम लोग यहाँ से चिट्ठी लिखेंगे।